अगर कोई भी आपका इस तरीके से दोनों हाथों के साथ हाथ पकड़ लेता है और आप उसको छुड़वा नहीं सकते, या नॉर्मली आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उसको छुड़वा नहीं पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको? मान लीजिए आपका इस तरीके से किसी ने हाथ पकड़ लिया, अगर आप उस हाथ को छुड़वाने के लिए पीछे की तरफ जाते हो तो सामने वाले की जो आपके हाथ के ऊपर ग्रिप है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी और आप उसको नहीं छुड़वा पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आगे की तरफ चले जाना है। आगे की तरफ जाते ही सामने वाले की जो आपके हाथ पे ग्रिप है वो लूज हो जाएगी और उसके पैर पे सबसे पहले आपको पैर रख लेना है ताकि वो पीछे ना जा पाए। उसके बाद क्या करना है आपको, अपने एक हाथ को ऊपर से लाते हुए जो हाथ जो बाजू सामने वाले ने आपकी पकड़ी हुई है उस पंच को पकड़ के आपको अपनी एल्बो को बेंट करके एकदम से ऊपर की तरफ खींचना है। उसके बाद या तो आप उसको पीछे पुश करके भाग सकते हो या फिर आप उसको फ्रंट किक मार सकते हो या फिर आप पंच मार के वहां से अपने आप को बचा सकते हो। अगर कोई भी पीछे से आके आपका हाथ पकड़ लेता है और आपकी गर्दन को पकड़ लेता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मान लीजिए आप कहीं से भी जा रहे हो और किसी बंदे ने आके हमारा पीछे से हाथ पकड़ लिया और एक हाथ के साथ हमारी गर्दन पकड़ ली, तो इस सिचुएशन में आप नॉर्मली अपनी गर्दन को या अपने हाथ को नहीं छुड़वा पाओगे। आपको क्या करना है, जो हाथ आपका फ्री है आपको उस हाथ को एल्बो को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठा लेना है और एकदम से टर्न करके उसके दोनों हाथों को वहीं पे लॉक कर लेना है। उसके बाद या तो आप अपने घुटने के साथ सामने हिट कर सकते हो या पीछे से हाथ छुड़वाते हुए आप एल्बो के साथ सामने हिट कर सकते हो और वहां से बिल्कुल आसानी से भाग सकते हो। अगर आपका कोई भी इस तरीके से पीछे से आके हाथ पकड़ लेता है तो उस सिचुएशन में जैसे ही पीछे वाला आपका हाथ पकड़ता है तो आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले तो टर्न कर लेना है। उसके बाद उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ के साथ ऐसे ऊपर से ही पकड़ लेना है और वहां से जो दूसरा हाथ है उसको खोलते हुए आपको एकदम से टर्न करके उसको नीचे की तरफ इस तरीके से झुका लेना है। उसके बाद या तो आप उसको किक के साथ हिट कर सकते हो या आप उस पे एल्बो से अटैक कर सकते हो और वहां से अपने आप को बिल्कुल आसानी से आप बचा सकते हो। अगर आप कहीं पे भी जाके हैंड शेक करते हो और सामने वाला आपका हाथ दबाने की कोशिश करता है या आपके साथ बदतमीजी करता है तो उस सिचुएशन में अगर आप कहीं पे भी इस तरीके से हाथ मिला रहे हो और सामने वाला आपके हाथ को बिल्कुल ज्यादा पावर के साथ दबा रहा है तो उस सिचुएशन में अगर आप हाथ नॉर्मली नहीं छुड़वा पा रहे हो तो आपको सबसे पहले आगे की तरफ स्टेप लेना है। उसके बाद अपने हाथ को ऊपर उठा के आपको अपनी एल्बो को बाहर से लाते हुए उसकी बाजू को एकदम से नीचे की तरफ टर्न कर देना है। उसके बाद या तो आप पंच मार सकते हो या आप अपने घुटने के साथ सामने हिट कर सकते हो और वहां से अपने आप को बिल्कुल आसानी से बचा सकते हो। अगर कोई भी पावरफुल बंदा आके आपका हाथ पकड़ लेता है और आप सारी टेक्निक्स यूज करके भी अपने हाथ को नहीं छुड़वा पा रहे हो तो मैं आपको अब एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे अगर कितना भी पावरफुल बंदा हो चाहे वो आपका हाथ पकड़ लेता है तो आप अपने हाथ को बिल्कुल आसानी से छुड़वा पाओगे। मान लीजिए किसी ने भी आपका हाथ इस तरीके से पकड़ लिया और आप कहीं भी पीछे जाके भी नहीं छुड़वा पा रहे हो ना ही आप आगे जाके छुड़वा पा रहे हो, आप सारी टेक्निक्स यूज करके भी अगर अपने हाथ को नहीं छुड़वा पा रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ को इस तरीके से टर्न कर लेना है और सामने वाले के जो हाथ का ये पोर्शन है ये आपको ऊपर की तरफ लेके आना है। उसके बाद अपने पंच को बिल्कुल टाइट करते हुए आपको उसके हाथ के ऊपर हिट करना है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हाथ के अंदर हड्डियां हैं वो पतली पतली हड्डियां होती हैं और उसके ऊपर अगर आप हिट करते हो तो सामने वाले को बहुत ज्यादा पेन होगी और वो आपका बिल्कुल 100% हाथ छोड़ देगा और आप वहां से अपने आप को बचा सकते हो या आप भाग सकते हो। तो ये थी सेल्फ डिफेंस की कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो और अगर आपका कोई भी कहीं पे हाथ पकड़ लेता है तो वहां से आप अपने आप को बिल्कुल आसानी से बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।